क्राइम ब्रांच की टीम में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। 2017 से चल रहा था फरार। रिपोर्ट किरण सिंह दम्बर, किनी टाइम्स। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने डकैती और वाहन चोरी जैसे मामलों में वांछित अपराधी को एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी साल 2017 से फरार चल रहा था और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग ठिकाने बदल रहा था। गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति की पहचान दीपक, उम्र 27 साल, निवासी साई एनक्लेव, मोहन गार्डन, दिल्ली के रूप में की गई। आरोपी के ऊपर डकैती और वाहन चोरी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एंटी गैंग स्क्वाड क्राइम ब्रांच द्वारका में तैनात एएसआई पवन को एक गुप्त सूचना मिली कि एक लुटेरा दीपक, जो दिल्ली की डकैती के दो अलग अलग मामलों में वांछित अपराधी है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट पहले ही जारी किया जा चुका है। यह भी पता चला कि भगोड़ा दीपक दिल्ली में छुपा हुआ है, गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के लिए क्षेत्र की स्थानीय तौर पर जांच की गई। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए ज्वाइंट सीपी एसटी मिश्रा ने डीसीपी अमित गोयल, एसीपी नरेश कुमार, इंस्पेक्टर सत्यवीर यादव की देखरेख में एक टीम का गठन किया, जिसमें इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एएसआई पवन कुमार, हरी सिंह, हेड कांस्टेबल अरविंद को शामिल किया गया। मिली जानकारी के अनुसार टीम ने उक्त स्थान पर जाल बिछाया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी को देखते हुए आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसका पीछा कर उसे दबोच लिया गया। आरोपी को करावल नगर शिव विहार से गिरफ्तार किया गया है। निरंतर पूछताछ पर पता चला कि आरोपी ने साल 2017 में अपने साथियों विक्रांत, निजाम और पुरुषोत्तम के साथ मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली के इलाके में एक व्यक्ति पर धारदार वस्तुओं से हमला कर उसका मोबाइल फोन लूट लिया और बाद में उसके सहयोगी विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन निजाम और पुरुषोत्तम नाम के उसके अन्य सहयोगी अभी भी फरार हैं। उसने अपने सहयोगी विक्रांत के साथ मिलकर दिल्ली के विकासपुरी इलाके से एक मोटरसाइकिल की भी चोरी की थी। इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना।